स्कूली छात्राओं के मिड डे मील फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला जनपद बिजनौर के कस्बा झालू के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है, जहां छात्राओं के द्वारा मिड डे मील का भोजन स्कूल से बाहर फेंकने का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में रोष फैल गया। वायरल वीडियो में छात्राओं को दिए जाने वाला भोजन सभी छात्राएं एक एक करके स्कूल के बाहर फेंक रही थी। आसपास के लोगों ने घटना की वीडियो बनाकर वायरल कर दी। जब छात्राओं से भोजन को फेंकने के बारे में पूछा गया तो वे बिना कुछ कहे वापस स्कूल में अंदर चली गई। मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंडावली अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि खिचड़ी बच्चों के खाने के योग्य नहीं होने के कारण बच्चे उसे फेंक कर चले गए। बच्चों को खराब खाना देकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों के द्वारा खाना न खाकर उसे फेंकने से अन्न की बर्बादी हो रही है, जिससे सरकार को भी चूना लग रहा है। उन्होंने घटना की शिकायत उच्चाधिकारियों से करने की बात कही है। देखे जनसंवाद के लिए मोहम्मद आकिब की यह रिपोर्ट। प्रखंड मंडावली अध्यक्ष को अभी सूचना मिली हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा कि यहाँ हर हफ्ते जो खिचड़ी बन के आती है चावलों की, ये बालिका प्राइमरी विद्यालय स्कूल है झालू में रामलीला मैदान के पास, इसमें जब भी ये खिचड़ी बन के आती है चावलों की, तभी बच्चों के द्वारा बाहर फेंक दी जाती है और इस अन्न का दुरुपयोग हो रहा है, जिसमें सरकार की का नुकसान है और हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भोजन नहीं मिलता समय पर, उनका भी नुकसान है। और कई बार शिकायत कर चुके हैं यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं इसमें, ये सही नहीं है, या तो इस अन्न को शिकायत करी जाए, इस तरह का ना मिले, या गौशाला पहुँचाया जाए, पर ये इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। इससे पहले भी कई प्रकरण हो चुके हैं, इसमें से साड़ी ईंट उखड़वा के प्रधानाचार्य अपने घर ले गई थी, जिसकी वीडियो पहले दी गई थी। और कभी अगर यहाँ से अधिकारी से ट्रांसफ़र की इनकी बात करते हैं तो कहती कि मेरी तो पहुँच है, मेरा भाई जो है बीएससी के यहाँ किलर के, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी जो मेरा जिससे जो बिगाड़ सकता हूँ। ये है इस तरह का कार्यक्रम। Don't forget to like, comment.